दोस्तों, हम मनुष्यों के जीवन में नीतियों का बड़ा ही महत्व है। नीतियों में वो ज्ञान छुपा है जो हमारे जीवन की दिशा व दशा को पल भर में बदल सकता है। उदाहरणार्थ यदि हम बात करें भगवान श्री राम व कृष्ण की, तो ये दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे और दोनों ही धरती पर धर्म की रक्षा के लिए आए थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग नीतियों का सहारा लिया। एक ओर श्री राम ने धर्म नीति का, जबकि वहीं दूसरी ओर केशव ने कूटनीति का। कहते हैं इस सृष्टि में आज तक श्री राम के समान कोई नीतिमान नहीं हुआ। उनकी नीतियों के कारण ही वानरों ने उनकी दासता स्वीकार की थी। इसी प्रकार से श्री कृष्ण के समान दूजा कोई कूटनीतिज्ञ नहीं हुआ, जिन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का हरण अर्जुन से करवा दिया। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको दैत्य गुरु की शुक्र नीति से ली गई तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपको ये बताएगी कि आप कौन हैं और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको भोग व मोक्ष दोनों ही फलों की प्राप्ति हो। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ और इसी के आधार पर हमारी समाज की व्यवस्था की गई। अब चूंकि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, इसीलिए उन्हें समाज में सबसे उच्च स्थान मिला। इनका काम था ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, अपनी इंद्रियों का दमन कर धर्म का पालन करना व अपने ज्ञान से मानव जाति का उद्धार करना। इनके बाद दूसरा स्थान था क्षत्रियों का, जिनका काम था अपने शौर्य व पराक्रम से शत्रुओं का दमन करते हुए राष्ट्र की रक्षा करना। इसी प्रकार से तीसरा स्थान मिला वैश्य को, जिनका काम था खेती किसानी करना, पशु पालना व क्रय विक्रय कर धन कमाना। और सबसे अंतिम स्थान था शूद्र का, जिनका काम था उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि समाज की ये व्यवस्था उत्तम थी? क्या वाकई में आपको लगता है कि ब्राह्मण का बेटा ज्ञानी व क्षत्रिय का बेटा शक्तिशाली ही पैदा होता था, या कहें कि धन कमाने का अधिकार केवल वैश्य को ही था, अन्य को नहीं? या ये कि यदि कोई शूद्र के घर पैदा हुआ है तो उसे आजीवन दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, मतलब कि उसका अपना कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होगी? वैसे यही बात दैत्य गुरु ने बहुत ही सुंदर ढंग से कही है। वे कहते हैं, न जात्या ब्राह्मणाचात क्षत्रियो वैश्य एवना, न शूद्रो न च वे मलिक्ष्यो भेदिता गुण कर्मभ्य। अर्थात जन्म से कोई व्यक्ति ना तो ब्राह्मण होता है और ना ही क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, क्योंकि ये सब तो योग्यताएं हैं जिन्हें अभ्यास करके निखारा जा सकता है और इन्हीं गुण दोषों के आधार पर मनुष्य समाज में अपना स्थान पाता है। यदि संक्षिप्त में कहें दोस्तों, तो दैत्य गुरु ये कहना चाहते हैं कि मात्र किसी उच्च या निम्न जाति में जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, बल्कि वो बड़ा या छोटा अपने गुण दोषों के आधार पर बनता है। इसीलिए हम लोगों को आज से ही स्वयं के तथा अन्य लोगों के प्रति हमारी सोच बदलनी होगी, तभी समाज में युगों से चली आ रही भेदभाव भरी इस ओछी कुप्रथा का नाश व मानव जाति का समुचित ढंग से विकास हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले दोहे की। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, साथ ही ये भी कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब यदि हमारे भाग्य में पहले से ही सब कुछ लिख दिया जा चुका है और जो होना है ठीक वैसा ही हो भी रहा है, तो फिर भला हमें कर्म करने की क्या जरूरत? क्योंकि हमारे द्वारा कुछ करने या ना करने से भला नियति तो बदलने वाली नहीं है। वैसे कर्म के संदर्भ में आचार्य कहते हैं, कर्मेव कारणम छात्र सुगतिम दुर्गतिम प्रति कर्मेव प्राक्तनम्पिम क्षणम की कोस्ति चक्रिया। अर्थात इस संसार में हम मनुष्यों की सदगति व दुर्गति हमारे द्वारा किए गए कर्मों से तय होती है। कर्म किसी मनुष्य का जन्म जन्मांतरों तक पीछा नहीं छोड़ते, और यदि कोई ये सोच ले कि बिना किसी प्रकार का कर्म किए वो अपना जीवन यापन कर लेगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्म ना करना भी कर्म की श्रेणी में ही आता है। और इसी कारणवश ये कहा जाता है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। अच्छे कर्मों का हमें अच्छा फल मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का बुरा। अब हम आपको समझाते हैं कि ये भाग्य से कैसे जुड़ा है। दोस्तों, होता यूं है कि जब कोई मनुष्य ये कहता है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा,
तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि उसने अब से पहले जो कुछ भी कर्म किए थे उन कर्मों से भविष्य में जो फल मिलना था वो अब तय हो चुका है और वो मिलकर ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आगे जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन हम उस भावी घटना के कारण हमारे आज के कर्मों को नज़रअंदाज कर अपने भविष्य को और भी अधिक नहीं बिगाड़ सकते। यदि इस बात को आसान शब्दों में कहें तो आज हम जो कुछ हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वो सब कुछ हमारे अतीत में किए गए कर्मों के कारण ही है। यही वो कर्म थे जिनकी वजह से आज हम इस रूप में, इस स्थान पर, इस समय, इस हाल में उपस्थित हैं। और ठीक इसी प्रकार से आज हम जो कुछ भी करेंगे वही हमारा भविष्य या कहें कि अगला जन्म होगा। इसीलिए दोस्तों आचार्य हमसे कह रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, तुम अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो, तुम सत्कर्म करो ताकि तुम्हारा आने वाला कल और भी बेहतर हो सके। चलिए अब बात करते हैं अंतिम दोहे की। दोस्तों परमात्मा ने हम मनुष्यों को 5 इंद्रियां प्रदान की है जिनकी संतुष्टि शब्द, स्पर्श, रूप, गंध व रस से की जाती है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे कान हमेशा अच्छा सुनना चाहते हैं, हमारे हाथ कुछ अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारी आंखें हमेशा ही उत्तम रूप देखना चाहती है, हमारी नाक हमेशा उत्तम गंध की तलाश में रहती है, और तो और हमारी जिह्वा हमेशा रस या स्वाद लेने के लिए लालायित रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम में से ज़्यादातर मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में इंद्रियों के सुख भोगने में लगे रहते हैं, जितना हो सके उतना भोग भी लेते हैं और सब कुछ भोग लेने के बाद वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं और अंत समय में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से नया जन्म लेकर पुनः इंद्रियों को भोगने के लिए चले आते हैं। बस यही क्रम हम सभी मिलकर अनंत कालों से दोहराते आ रहे हैं। वैसे इंद्रिय भोग के संदर्भ में आचार्य ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है। वे कहते हैं, ना पिड्येदि इंद्रियाणि ना चैतन्य तिलालयेत इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरिन्ति प्रसंब मनाम। अर्थात इंद्रियों को ना तो दमन करें और ना ही उनके अनुसार चलें। मतलब ये कि उन्हें बहुत अधिक खुला भी ना छोड़ें, क्योंकि जब इंद्रियां अत्यधिक बलवान होती है तो वे मन को अपनी ओर खींच लेती है और फिर आपको उनका गुलाम होकर उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अतः दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है कि हमें अपनी इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए, सदैव उनका उपयोग नियमों के अनुसार करना चाहिए। बस केवल तब ही हम एक साथ भोग तथा मोक्ष दोनों ही फलों की प्राप्ति कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी वे 3 बातें जो आपको बताती है कि आप कौन है, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको जीते जी भोग तथा मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। आशा करते हैं ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।